नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, खुशखबरी यह है कि मलेशिया का जो पेंडिंग काम काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे वो काम शुरू हो चुका है, मीन्स शुरू होने ही वाला है। अक्टूबर फर्स्ट वीक से मलेशिया का वर्क शुरू होने वाला है। मलेशिया के लिए जो हम प्लांटेशन का काम करते हैं, प्लांटेशन वर्कर के लिए जो वीजा प्रोसेसिंग है वो नेक्स्ट मंथ मीन्स अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, ये गाइडेंस कंफर्म है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो क्वांटिटी है वो पहले से डबल हो चुकी है। अभी हमारे पास में टोटल 3000 लोगों की आवश्यकता है और ये जो अभी पीरियड मिला है ये 6 महीने के लिए ओपन हुआ है, मीन्स 6 मंथ के लिए ये ऑब्जर्वेशन पीरियड रहेगा। इसी पीरियड में अगर पैंडेमिक का इफेक्ट धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया तो ये खुला रहेगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो शायद 6 मंथ के बाद ये बंद भी कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ के अंदर उन सभी लोगों की वीजा प्रोसेसिंग हो जाएगी जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जाने वाले हैं और उनका फ्लाई भी होगा। और अभी जो लोग फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में मेडिकल करवाएंगे उन लोगों का फ्लाई ये मान लीजिए कि एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर में होने ही वाला है। और ये स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से मलेशिया की उस कंपनी को जरूर मिला हुआ है। दोस्तों, ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और डेफिनेटली मलेशिया की जो एक रेवेन्यू है, मलेशिया के जो एक सोर्स ऑफ इनकम मान लीजिए वो मैक्सिमम सोर्स, जो बड़ा सोर्स है वो यही कंपनी है, पाम ऑयल। पाम ऑयल इंडस्ट्री की वजह से मलेशिया की इकोनॉमी चलती है। सो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि काफी लंबे समय के बाद जब इस पीरियड में कोई कैंडिडेट फ्लाई नहीं हुआ और वहां पर जो लोग काम कर रहे थे वो लोग वापस आ गए तो डेफिनेटली वहां पर काफी इफेक्ट पड़ा पाम ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर। अभी ये शुरू हुआ है इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था इकोनॉमी के ऊपर, इसलिए अभी इस कंपनी को परमिशन मिली हुई है और जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे उन लोगों का फ्लाई जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। इससे पहले कोई कंफर्मेशन नहीं था इसलिए हम कुछ अपडेट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई हुई है और ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें अभी तैयारी चालू करनी है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग वेट कर रहे थे मलेशिया प्रोसेस के लिए, वो लोग डेफिनेटली हमारे ऑफिस में आके प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और जो अपॉइंटमेंट रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का उस पार्टिकुलर डेट में उनको मिस मुंबई पहुंचना होगा मेडिकल के लिए। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में एज होना चाहिए। 44 साल के डेफिनेशन में आपको बताऊं कि 43 साल 6 महीना 7 महीना 8 महीना भी होगा तो भी चलेगा। मलेशिया पहुंचते पहुंचते वो 44 साल से 1 महीना कम रहना चाहिए। सो दोस्तों, ये मलेशिया के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया है। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए और ऑब्वियसली मेल कैंडिडेट की आवश्यकता है, जो लोग एग्रीकल्चर में वर्क कर सकें, पाम इंडस्ट्री में काम कर सकें, पाम ऑयल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजिंग, सभी टाइप का जो काम रहेगा उस उन सभी काम के लिए वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। दोस्तों, इसमें सैलरी वगैरह भी सब सेम है, सिर्फ इसमें प्रोसीजर के लिए अभी 6 मंथ का टाइम है। इस पीरियड में हमें जितने ज्यादा लोग हैं उनको अप्लाई करवाना होगा। 3000 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और ऑब्वियसली ये काम और भी ऑफिस में जाता है तो हमारे ऑफिस का भी एक बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि काफी लोगों की इंक्वायरीज हैं जो जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, रेडी हैं, जो सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब मलेशिया का काम शुरू हो और उनका प्रोसेस शुरू हो जाए। जो लोग भी मलेशिया के लिए इंटरेस्टेड थे, वेट कर रहे थे, वो लोग हमारे कलीग को जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें और जो भी प्रोसेस होने वाला उसके हिसाब से वो अपनी प्रोफाइल को पुट करें, मेडिकल करें और वीजा का वेट करें। और मेडिकल के लिए जो शेड्यूल दिया जाएगा उस शेड्यूल के हिसाब से उनको बॉम्बे में आना होगा क्योंकि अभी समय कम है। कोई कैंडिडेट दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई में करेंगे तो वहां से कर सकते, लेकिन टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये जो रिक्वायरमेंट मिली है ये रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ से मिस पूरी ना हो पाए क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स कोई बाहर से भेजेगा टाइम लगेगा और वीजा एप्लीकेशन जितने फास्ट होंगे उतना सबका भला होगा। अभी सपोज कीजिए कोई बंदा अगर बॉम्बे आएगा तो बॉम्बे आने पर उसको सिर्फ एक दिन के अंदर फ्री कर दिया जाएगा, मिस आ जाएगा, कल वो जा सकता है, आज मेडिकल कल बायोमेट्रिक, उसके बाद वो घर जा सकते हैं और उनका बायोमेट्रिक मेडिकल दोनों हम कलेक्ट करवा लेंगे। लेकिन अगर वो किसी और सिटी में करवाएंगे तो डेफिनेटली उसको 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट को कोरियर करेंगे, वो समय भी वेस्ट हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कॉन्टेक्ट करें और मुंबई में अपॉइंटमेंट लेके रखें कि कब उनको आना है। डेट ही मान लीजिए, अपॉइंटमेंट की डेट हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में बॉम्बे में आना है मेडिकल के लिए।
और इसमें जैसा प्रोसेस होता है वैसा ही रहेगा, मेडिकल होगा, फिर बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद वीजा एप्लीकेशन हो जाएगा, कॉलिंग वीजा आएगा और पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होगा, फ्लाई हो जाएगा। दोस्तों अर्जेंट अपडेट था, इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें और अपॉइंटमेंट लेकर प्रोसेस के लिए आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।